900 स्क्वायर फीट हाउस डिज़ाइन तो हम यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं। तो इससे पहले हम यहाँ पर जो कॉलम नंबर ऑफ कॉलम यहाँ पर कितना है हम पहले मेंशन करेंगे। 9 फीट हाइट तक कॉलम रखेंगे हाइट पर, उसके बाद बाकी डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे। इसका स्टेयर, रूम, टॉयलेट, किचन एंड डाइनिंग रूम इसके बारे में, और इसका जो पैसेज यहाँ पर एक कॉमन एंड अटैच टॉयलेट एंड बाथ यहाँ पर हमने रेडी किया है, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पर हमें 2 फीट 4 इंच हाइट में रखना है। इधर एक देखिए, ऐसे हमें वॉल यहाँ पर क्रिएट करना है। तो उसके बाद हमें इसके अंदर पहला जो देखिए यहाँ पर वॉल ऐसे क्रिएट करना है, बाद में हम बाकी वॉल क्रिएट करके दिखाएंगे कहाँ पर क्या है। पहले हमें स्टेयर के बारे में भी बात करना है। तो स्टेयर हम यहाँ पर सेंटर में रखा है क्योंकि इसका जो फ्रंट का जो जगह है 15 फीट और इसका जो लंबाई है यहाँ पर 60 फीट, 900 स्क्वायर फीट टोटल इसका बिल्डिंग का जो स्क्वायर फीट है टोटल 900 स्क्वायर फीट। तो यहाँ पर देखिए ऐसे करके हमने रखा है, ठीक है। फाइनली इधर जो है प्लान के साथ यहाँ पर कुछ फर्नीचर लेआउट हमने किया है इसके अंदर, ओके। तो फर्नीचर लेआउट में क्या है देखिए, यहाँ पर जो है 900 स्क्वायर फीट का हाउस डिज़ाइन था जिसमें 3 बेडरूम का हाउस डिज़ाइन हमने क्रिएट किया था। तो बेडरूम के साथ यहाँ पर देखिए किचन, डाइनिंग, यहाँ पर एक सोफ़ा सेट, ओके, यहाँ पर गली है। उसके बाद देखिए यहाँ पर स्टेयर पार्ट है, तो स्टेयर के बगल में यहाँ पर एक टॉयलेट एंड बाथ जो कॉमन होगा सभी जो बेडरूम है आप उसी से इसको यूज़ कर सकते हैं। आपको अगर अटैच चाहिए तो ये जो बेडरूम है इसके साथ एक अटैच टॉयलेट भी हमने यहाँ पर ऐड किया है, ठीक है। तो रूम यहाँ पर 3 रहेगा, तो एक गली रहेगा, किचन, डाइनिंग और स्टेयर, इसके साथ कोई हॉल रूम नहीं रहेगा। अगर आपको हॉल रूम चाहिए तो एक बेडरूम आपको इधर से आउट करना पड़ेगा, तो आपको हॉल रूम यहाँ पर इधर से मिल जाएगा। अगर आपको इसमें कुछ चेंज और ऐड करने तब कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो मेज़रमेंट है हम आपके साथ शेयर करेंगे, अगर इस मेजरमेंट को देख कर आपको कोई भी चेंज और ऐड करना है तब कर सकते हैं। चलते हम इसको डिटेल्स ड्राइंग आपके साथ शेयर करते हैं। तो यहाँ पर कितना मेज़रमेंट है देखिए, 15 बाई 60, इधर 15 और टोटल इधर जो लेंथ है 60, इसलिए लंबाई आपको दिखाई दे रहा है ज़्यादा। तो 900 स्क्वायर फीट हाउस डिज़ाइन है 16x15 का। यहाँ पर 10 फीट 6 बाई 12 फीट का एक बेडरूम, यहाँ पर देखिए 3 फीट 3 इंच और यहाँ पर आपको 6 फीट का एक टॉयलेट यहाँ पर दिखाई देगा रूम के साथ अटैच। यहाँ पर 12 फीट बाई यहाँ पर 9 फीट 6 का और एक बेडरूम, यहाँ पर जो गली है 4 फीट 3 इंच का गली है इधर। उसके बाद यहाँ पर जो कॉमन टॉयलेट है 4 फीट 6 और इधर जो टॉयलेट 5 फीट 8, 4 फीट 6 बाई 5 फीट 8। इधर जो देखिए ओपन एरिया रहेगा इधर तक, इधर देखिए 7 फीट 8 इंच से भी ज़्यादा रहेगा, इधर हम डिलीट कर देंगे इसको, ठीक है। तो यहाँ पर हमें इसको डिलीट करना है। तो इधर आपको जो टॉयलेट यहाँ पर जो है देखिए स्टेयर एरिया 6 फीट 10 इंच और इधर जो है 9 फीट 8 इंच। किचन के लिए हमने यहाँ पर 4 फीट 1 का और इधर जो है देखिए 9 फीट 3 का एक जस्ट स्लैब यहाँ पर यूज़ किया है। यहाँ पर 6 फीट 4 और यहाँ पर देखिए 9 फीट 11 इंच और इधर जो है 4 फीट 3 इंच। ऐसे करके इधर हमने इधर जो टोटल मेजरमेंट है ऐसे रहेगा, ड्राइंग, डाइनिंग, किचन एक साथ यहाँ पर हम ऐड किया है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर 11 फीट बाई 9 फीट 6 इंच का और एक बेड फ्रंट में हमने ऐड किया है, यहाँ पर 4 फीट 3 इंच, यहाँ पर रूम के अंदर जाने के लिए 3 फीट 10 इंच का यहाँ पर गली रहेगा। तो 900 स्क्वायर फीट हाउस डिज़ाइन में टोटल कॉस्ट आएगा यहाँ पर जो है 15 to 16 लाख रुपीज़। यहाँ पर जो कॉलम है 10x10 का कॉलम है, यहाँ पर जो वॉल है आउटसाइड इनसाइड में हमने ब्रिक वॉल यहाँ पर ऐड किया है। तो ये जो वॉल है इसका जो वाइड है 5 इंच का वॉल, इसका जो
विंडो आएगा। हम यहाँ पर विंडो नहीं दिखाया है, सिर्फ डोर दिखाया है, क्योंकि विंडो आपको खुद तय करना है कौन सा साइड में विंडो रहेगा। तो आपको प्लान डिज़ाइन 3D पसंद आए तो लाइक और शेयर कर देना। तो थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।